बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने रेवती थाना के SHO पर गंभीर आरोप लगाया तो वहीं पीड़ित ने जिलाधिकारी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए न्याय की गुहार लगाया है और SHO की कार्रवाई को संदिग्ध बताया है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस तस्वीर में सांसद, विधायक, मंत्री भी दिख रहे हैं तो वहीं साइड में बलिया के जिलाधिकारी भी मौजूद हैं। जिलाधिकारी के पैरों पर एक माँ बाप झुके हुए हैं और किसी मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला रेवती थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेवती कस्बे के वार्ड नंबर 7 की है। जिलाधिकारी के पैरों पर झुकने वाले माँ बाप ने उनके मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों पहले होली के दिन हमारे बेटे को कुछ दबंग लोगों द्वारा धारदार हथियार से पेट पर मार करके बुरी तरह से घायल कर दिया गया था और वह अधमरा समझ कर तमाम लोग छोड़कर भाग गए। पीड़ित माँ बाप ने बताया कि हमने तत्काल घायल बेटे को जिला अस्पताल पहुँचाया जहाँ डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। पीड़ित माँ बाप ने बताया कि मेरा बेटा अति गंभीर रूप से घायल था, चाकू से उसके पेट पर कई गंभीर निशान थे। पिता ने बताया कि इस मामले को लेकर के जब हम थाने पहुंचे तो जिन लोगों ने मेरे बेटे को पिटाई की उनके खिलाफ थाने में हमने तहरीर दिया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में बदमाशों को कठोर कार्रवाई भी नहीं की और न ही गिरफ्तारी की, इसलिए इस मामले में अपने बेटे को न्याय और हमला करने वाले बदमाशों पर कठोर कार्रवाई की मांग किया है, नहीं होने पर उसने आत्मदाह की चेतावनी भी दिया है। आइए सुनाते हैं एक रिपोर्ट। वार्ड नंबर 7 रेवती का रहने वाला हूँ मैं। क्या मामला है अभी आप? मामला हमारे लड़के का चाकू लगा होली के दिन। ये लोग हम लोग घर में ही बैठे थे तब तक 3-4 लोग 5-6 आदमी हमारे यहाँ दरवाजे के अंदर इसका नाम धरकर बुलाने लगे। ये लड़का भी यही बाहर निकलने का कोशिश किया तब तक ये लोग अंदर ढुक कर इसको घसटते हुए लेकर बाहर चले गए। हम लोग दौड़ते हुए गए तब तक ये लोग चाकू इस पर वार कर दिए थे। ये कौन लोग थे? ये हमारे ठीक बगल के ही पड़ोसी थे, कलजुगी पांडे थे और ये पवन तिवारी थे, उनके लड़के दीपक तिवारी, रोहित तिवारी थे और कलजुगी पांडे के दो भतीजा थे, संजू पांडे और दीपक पांडे। आखिर क्या वजह थी कि? वजह यह थी कि थोड़ा बहुत अपने स्कूल में बच्चे अपने परीक्षा के समय थोड़ा झगड़ा किए थे और कोई बात नहीं थी सर। ये लोग अपने गार्जियन और बच्चे को साथ में लेकर आकर हमारे दरवाजे पर हमला बोल दिए। हमारे और घर पे हम ही और यही थे, दो ही आदमी। और पुलिस के पास आप गए थे? जी, पुलिस के पास हम गए। पुलिस बोली कि पहले तुम लड़के का इलाज कराओ। हम उस समय तो ट्रामा सेंटर लेकर भग गए, बलिया आए, बलिया से हम ट्रामा सेंटर गए। ट्रामा सेंटर के बाद मैं बीच में लड़के को वहीं अस्पताल में छोड़कर तहरीर देने गया। तहरीर देने के बाद मैं जब दूसरे बार थाने पहुंचा तो SO साहब बोले कि ऐसा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तुम अपने लड़के का इलाज कराओ, जब इलाज ठीक हो जाएगा तो हम बयान लेंगे तब कोई कार्रवाई करेंगे। बोले कि तुम जाओ पर लड़के का इलाज कराओ, जब लड़का ठीक हो जाएगा तो हम बयान लेकर कोई काम करेंगे। तो आप कब तहरीर देने गए थे? बस हम 8 तारीख का घटना हुआ था, हम 5 दिन बाद गए थे। तो 5 दिन के अंदर पुलिस को संज्ञान हुआ था इस मामले? संज्ञान हुआ था, उसमें दो लड़के को पकड़े भी थे और छोड़ भी दिए। कार्रवाई उनके द्वारा कब की गई? कार्रवाई उसी दिन एक लड़के को पकड़े मगर उसके बाद उसको छोड़ दिए पैसा रुपया लेकर। अभी दर्ज बता रहा है कि किए हैं, एक आदमी को बता रहा है कि पकड़े हैं। अभी तो हम कल ट्रामा सेंटर से आए हैं। नहीं, जो आप तहरीर दिए थे उस तहरीर नहीं हुआ है? नहीं हुआ, एक आदमी को केवल पकड़े हैं, पवन तिवारी को। FIR वगैरह नहीं किए हैं? हमारा तहरीर लिए बोले कि FIR हम कर दिए हैं और हम बच्चे में जुड़ाए थे। कितने लोगों के विरुद्ध उन्होंने FIR की है? अभी तो एक ही आदमी को हम देख रहे हैं कि जेल में बंद किए हैं, बाकी 5 आदमी छूटा घूम रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं हमको कि घर पे आओ तो फिर बताएंगे। तो ये सब शिकायत लेकर आप जो थाना अध्यक्ष है वहाँ के, तो उनसे आप किए हैं? हम कितने बार गए, वो सुन ही रहे हैं बात को। क्या कह रहे हैं? कौन है थानेदार, क्या कह रहे हैं उनके द्वारा? हरिंदर सिंह है। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे कि गुरुदेव तुम जाओ, तुम्हारा काम हम अन्याय करेंगे और कोई बात ही नहीं कहते हैं। हम लड़के को इलाज कराने में वहाँ ब्लड हमको देना है, वहाँ ब्लड का पैसा रुपया सब इंतजाम अकेले हम हैं तो हम कहाँ से बताएं, बार बार हम थाना जाएं। उनका काम है थाने का, बोल रहे हैं हमसे कि लोकेशन बताओ, हम कहाँ लोकेशन बताएंगे उनको। अभी अब किस तरह की आप यहाँ पे तहरीर दिए हैं? अभी दिया है कि हम आत्मदाह करेंगे अगर हमारे लड़के के ऊपर जो किया है उसका कार्रवाई नहीं होगा तो। कितने दिन के लिए? 10 तारीख को हम आत्मदाह करेंगे यहीं DM ऑफिस पे।